तो काइजर आज मैंने प्लान बनाया एक बहुत ही खतरनाक चोरी का। मैं चोरी करने वाला हूँ स्टार्क मेंशन में एवेंजर्स हाउस में। और मैंने सोचा है चोरी करने का आयरन मैन की कार। मुझे पता चला है आयरन मैन एक नई कार लेके आया है और वो कार बहुत ही ज्यादा फ्यूचरिस्टिक है। और आयरन मैन की कार है तो फ्यूचरिस्टिक तो होगी और ऊपर से महंगी भी बहुत ही ज्यादा वो होने वाली है। तो आज हम चुराने वाले आयरन मैन की खतरनाक सी फ्यूचरिस्टिक सुपर कार। हमारी बाइक यहाँ पर बिल्कुल रेडी है और सामने एवेंजर्स हाउस है जहाँ पर हम घुस के आयरन मैन की कार चुराने वाले हैं। पर हम उसकी कार ऐसे नहीं चुरा सकते क्योंकि आयरन मैन के घर पर बहुत ही ज्यादा सिक्योरिटी है। तो एवेंजर्स मेंशन के मेन गेट पर बहुत ही ज्यादा सिक्योरिटी होती है तो मैं उनके मेन गेट से तो घुस नहीं सकता। और पीछे उनके मेंशन पे सिर्फ पानी ही पानी है तो मैं पानी में भी स्विमिंग करके तो जा नहीं सकता। तो इसलिए मैंने एक बहुत ही खतरनाक सा आइडिया निकाला जिससे मैं घुसने वाला हूँ एवेंजर्स मेंशन में। चलो आपको फटाफट से लेके चलता हूँ, मैं क्या करने वाला हूँ आपको बताता हूँ। तो गाइस हम गोकुलधाम सोसाइटी में अभी जाने वाले हैं और वहां से चुलाने वाले हैं खतरनाक सा जेट। तो गाइस उस जेट से हम जाएंगे एवेंजर्स मेंशन में। और अभी हम आ चुके हैं गोकुलधाम सोसाइटी में। मुझे पता चला है सारे के सारे गोकुलधाम वासी गए हैं पिकनिक पर इसलिए मैं आ चुका हूँ। वो जेट कहाँ पर खड़ा होगा मुझे समझ नहीं आ रहा। एक सेकंड, मिल गया। अरे गाइस मुझे यहाँ पर जेट मिल चुका है, चलो फटाफट से चलते हैं। एक सेकंड, अबे इधर गाड़ियां किसने खड़ी कर दी, अबे अपने जेट को ऐसे निकालूंगा कैसे, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। चलो फटाफट से जेट में चढ़ जाते हैं। तो गाइस इसी जेट से हम एंट्री करने वाले एवेंजर्स मेंशन में। मेन गेट से नहीं जा सकते ना ही पानी से जा सकते पर जेट से जरूर जा सकते हैं, बस ये गाड़ियां बीच में ना आए। और ये गाड़ी के ऊपर से मैं निकल गया, रुक जाओ आराम से मुझे लेके जाना पड़ेगा वरना ये प्लेन क्रैश हो सकता है हमारा जेट। अरे ये क्या हो रहा है, एक तो मेरे को जेट यार चलाना भी तो नहीं आता। रुक जाओ अब इसको उड़ा के रहेंगे, 1 2 3 उड़ गया। और काइजर अभी हमारा यहाँ पे जेट उड़ चुका है और हम इसको लेके जाने वाले सीधा एवेंजर्स मेंशन पर। और अभी आप देख सकते हो नीचे एवेंजर्स मेंशन है, ऊपर मैं हूँ और मुझे यहाँ पे लैंड करना है फटाफट से। निकले 3-2-1 और ये क्या ही खतरनाक हमने जंप मार लिया है। पैराशूट हमारा यहाँ पर खुल चुका है और सीधा जाने वाले एवेंजर्स मेंशन पर लैंड करने वाले। इस स्विमिंग पूल के अंदर लैंड कर लेता हूँ, ज्यादा मुझे लगेगी भी नहीं। ये कहाँ चला गया, बच गया। मुझे लगा था ऐसे सीधा नीचे गिर जाऊंगा पर यहाँ पर हम बच चुके हैं। और काइजर मैं एवेंजर्स मेंशन के अंदर घुस चुका हूँ। ये उनका बढ़िया सा स्विमिंग पूल यार, कितना ज्यादा बड़ा स्विमिंग पूल है, कितना साफ पानी है। पर एक सेकंड, मुझे स्विमिंग पूल नहीं चाहिए, मुझे आयरन मैन की कार चाहिए, वो खतरनाक सी फ्यूचरिस्टिक कार। मुझे पता चला जो वो आयरन मैन की कार है वो उड़ती भी है, मतलब वो एक फ्लाइंग कार है। वैसे आयरन मैन की कार है तो उड़ती तो होगी। तो अभी हम आ चुके एवेंजर्स मेंशन में, देख लेते हैं अगर कोई है तो नहीं, ना कोई दिखाई तो नहीं दे रहा। चलो आराम से चलते हैं एवेंजर्स मेंशन में, चोरी करने वाले हम। यार ये एवेंजर्स मेंशन सही में बहुत ही ज्यादा अबे ये स्पाइडरमैन यहाँ पर क्या कर रहा है। मुझे एक पापा ने बताया था अगर मुझे एग्जाम में पास होना है तो मुझे बालकनी में बैठ के जाके 4 बार बोलना है, ओम पास हो जा, पास हो जा, पास हो जा, फिर मैं पास हो सकता हूँ। तो मैं तो पूरा दिन इधर ही बैठ के बोलूंगा पास हो जा, पास हो जा, ताकि मैं सारे के सारे सब्जेक्ट में पास हो जाऊँ और मुझे पढ़ाई ना करनी पड़े। तो कैसा अभी यहाँ पे स्पाइडरमैन पता नहीं क्या कर रहा है, मैं यहाँ से चुपचाप से जाने वाला हूँ आगे। चलो चलो चुपचाप चलते हैं और इस रूम के अंदर घुस जाते हैं। और काइजर ये क्या, ये रूम तो बहुत ही खतरनाक है। अभी आप देख सकते हो मैं कौन से रूम में आ चुका हूँ। यहाँ पे कैप्टन अमेरिका की शील्ड, हेलमेट, थॉर का हेलमेट, आयरन मैन का सूट और ये पता नहीं क्या क्या चीजें पड़ी है, ये सब तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। एक सेकंड, ये तो टाइम स्टोन है, इससे हम कहीं पर भी टेलीपोर्ट हो सकते हैं। रुक जाओ इसको यूज करते हैं और आयरन मैन के पास टेलीपोर्ट होने की कोशिश करते हैं। मुझे टेलीपोर्ट करो आयरन मैन की कार के पास। अबे ये कहाँ गया मैं, अरे ये कौन सी जगह, एक सेकंड में तो एवेंजर्स हाउस से बाहर आ गया। अरे यहाँ पे ये हल क्या कर रहा है, ये आयरन मैन की कार तो बहुत खतरनाक है, मैं आयरन मैन को बोलने वाला हूँ इस कार को वो मुझे दे दे। अरे काइजर अभी आप देख सकते हो ये हल्क आयरन मैन की कार के पास खड़ा है, पर ये वो वाली कार नहीं है जो कि मुझे चाहिए, ये तो आयरन मैन की कोई दूसरी कार है और उस टाइम ट्रेवल वाले स्टोन ने मुझे दूसरी आयरन मैन की कार भेज दिया है। पर एक सेकंड, मुझे वापस से अंदर जाना पड़ेगा, पर ये हल्क इधर खड़ा है, मैं क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। तो इस हल्क को अभी मैं थोड़ा पागल बनाने की कोशिश करने वाला हूँ। अरे ये क्या, ये तो कुत्ते की आवाज है, ये तो चूहे की आवाज है, अरे ये तो भालू की आवाज लग रही है। अरे मैं बिल्ली हूँ। क्या
कौन बोला? अरे ये क्या पागल है क्या हल्क? मैं बिल्ली की आवाज निकाल रहा हूँ, बोल रहा है कुत्ते की आवाज है, ये आवाज है, वो आवाज है, ये पहचान ही नहीं पा रहा कि बिल्ली की आवाज है। मुझे कुछ और करना पड़ेगा। अगर हल्क को पता चल गया कि मैं तेरे में चोरी कर रहा हूँ तो मुझे कच्चा चबा जाएगा और हल्क इतना पावरफुल है वो मुझे पूरा खा ही जाएगा। रुक जाओ, मेरे पास एक आइडिया है। मेरे पास ये स्नोबॉल है जो कि मैं इस हल्क के ऊपर मारने वाला हूँ। यहाँ पर जाएंगे तो अभी हल्क के ऊपर स्नोबॉल फेंकते। ये ले हल्क के बच्चे, स्नोबॉल खा, ये ले स्नोबॉल। अरे ये क्या हो रहा है, मुझे बचाओ। तो गाइस अभी आप देख सकते हो ये हल्क को क्या हो गया। मैंने इसके ऊपर बहुत सारी स्नोबॉल फेंक दी और अभी यहाँ पर ये बेहोश हो चुका है। चलो फटाफट से अंदर चलते हैं, हम वापस से आ चुके हैं एवेंजर्स मेंशन में। अब मुझे आयरन मैन की कार ढूंढनी पड़ेगी। पर आप देख सकते हो यार ये एवेंजर्स हाउस कितना ज्यादा खतरनाक बन रखा है। जल्दी से आयरन मैन की कार ढूंढते फिर यहाँ से निकल लेंगे। कहाँ पे मिलेगी आयरन मैन की कार? आयरन मैन की कार कहाँ हो तुम? एक सेकंड, अब यहाँ पर क्या चल रहा है? अभी थेनोस क्या कर रहा है? ओ बेबी डॉल में सोने थी, ये दुनिया पे तल थी, बेबी डॉल में सोने थी। अबे ये थेनोस यहाँ पे कौन से गाने गा रहा है? तो गाइस ये थेनोस जिम में घुस के बैठा है और वहाँ पे अलग अलग गाने गा रहा है। आप देख सकते हो वहाँ पे कैसे डांस कर रहा है। यहाँ पर मुझे लगता नहीं है आयरन मैन की कार होगी, पर आयरन मैन की कार है कहाँ? मुझे लगता है गैराज में होगी, तो मुझे गैराज में जाना चाहिए। और आयरन मैन अभी तक मुझे दिखाई नहीं दिया है, लगता है वो कहीं बाहर गया हुआ होगा। चलो फटाफट से गैराज में चलते हैं। अच्छा यार आयरन मैन घर पे नहीं है, वरना आयरन मैन इन सबसे ज्यादा दिमागदार है, तो उसको पता चल सकता था कि मैं इधर आ चुका हूँ पर वो है नहीं घर पे। एक सेकंड, अरे ये आयरन मैन तो इधर ही खड़ा है। ये आयरन मैन तो गैराज के बाहर ही खड़ा है, इसका यहाँ पर गैराज है और ये जस्ट बाहर ही खड़ा है। आज का मौसम तो बहुत ही ज्यादा सुहाना है, मैं सोच रहा हूँ अपनी नई नई कार को घुमाने ले जाऊँ। अरे कैसर ये तो अपनी कार को घुमाने लेने जाने की बात कर रहा है, मुझे उससे पहले इसकी कार को चुराना पड़ेगा। चुपचाप यहाँ से चलते हैं नीचे, ये आयरन मैन इधर नहीं देखेगा, जल्दी जल्दी भागो। और कैसर अभी हम आयरन मैन के गैराज में घुस चुके हैं। चलो फटाफट से देखते हैं कहाँ पर है वो कार। और काइजर हम आ चुके एवेंजर्स के गैराज। सॉरी आयरन मैन, मुझे माफ कर दो आयरन मैन, मैंने तुम्हारे यहाँ पे चोरी करने की सोची। सॉरी, तुम मुझे मार सकते हो, मैं मना नहीं करूंगा। सॉरी आयरन मैन। अरे काइजर मेरा प्लान फेल हो गया और मैं पकड़ा गया। अब मैं जाऊंगा जेल में या फिर आयरन मैन मुझे मार देगा। एक सेकंड, ये कुछ बोल क्यों रहा है आयरन मैन? ओ आयरन मैन, अबे ये क्या, ये तो ऐसे कोई सूट खड़ा है। अबे मैं डर गया इसको देख के, यहाँ पर कितने सारे सूट पड़े। मैंने सोचा ये आयरन मैन है, बच गया। मैंने सोचा मैं सीधा जेल में जाने वाला, पर आप देख सकते हो यहाँ पर हमें एक खतरनाक सी गाड़ी मिल चुकी है, आयरन मैन की खतरनाक फ्लाइंग सुपर कार। ये गाड़ी तो सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और आप देख सकते हो यहाँ पे आयरन मैन की फोटो भी लगी हुई है। ये कार कम कुछ प्लेन विलेन ज्यादा लग रहा है। पीछे देखो कितने बड़े बड़े नाइट लगे हुए। इसको लेके मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ। चलो फटाफट से इसके अंदर बैठते हैं। रुक जाओ, कौन हो तुम? मेरी गाड़ी कहाँ लेकर जा रहे हो? मेरे रोबोट्स पकड़ो इसको। अरे ये क्या, आयरन मैन इधर कैसे आ गया? अरे भागो, जल्दी भागो, आयरन मैन ने मुझे देख लिया। अरे कहाँ जाओ, ये क्या जगह, जल्दी मुझे अंदर ले लो, मुझे बचा लो, मैं कहीं आ रहा हूँ। जल्दी ढूंढो उसको, कहाँ गया वो? अरे ये लोग कहाँ देख रहे, चलो यहाँ से निकलते चुपचाप से। इनको लग रहा है मैं अंदर छुपा हूँ, पर मैं तो यहाँ पर हूँ। जल्दी से निकलते हैं, चलो यहाँ से फटाफट से निकलते हैं। उनको लग रहा है मैं अभी भी नीचे खड़ा हूँ। जल्दी बैठो गाड़ी में, यहाँ से मैं तो निकल रहा हूँ। चलो कैसे फटाफट से इस गाड़ी को लेके यहाँ से निकल दे, कितनी ज्यादा खतरनाक लग रही है। चलो आयरन मैन हमारा कुछ नहीं कर पाया। रुक जा, कहाँ जा रहा है चोरी करके? हमारे घर में चोरी कर रहे हो, रुक जाओ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अरे ये लोग कहाँ से आ गए, पीछे भी नहीं जा सकता, पीछे आयरन मैन है, सामने तीन एवेंजर, क्या करूं? एक सेकंड, ये गाड़ी तो हवा में उड़ती है, बाय बाय। अरे काट क्या पेड़ में? अरे कैसा, ये गाड़ी तो सही में हवा में उड़ने लग चुकी है। आप देख सकते हो ये तो सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। हम निकल चुके हैं हवा में, एवेंजर्स मेंशन से बाहर निकल के हम उड़ने लग गए हवा में। ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। चलो इस गाड़ी को फटाफट से अपन रोड पर उतार लेते हैं वापस, और उसके लिए हमें ये वाला बटन दबाना है और इससे खुल जाएगा ये खतरनाक सा पैराशूट। तो आप देख सकते हो इस गाड़ी के अंदर पैराशूट भी है और अभी हम जाने वाले सीधा नीचे
आ जाओ बढ़िया सी लैंडिंग करने वाले हैं। और ये लैंडिंग हो गई बिल्कुल सक्सेसफुल। तो कैसे फटाफट से यहाँ से निकलते। एक सेकंड, ये पुलिस वाले तो मुझे ही मार रहे हैं। अबे भागो यहाँ से जल्दी से। अरे मैंने इन पुलिस वालों का क्या बिगाड़ दिया, ये मेरे पीछे पीछे कह रहे हैं। अबे हट जाओ यहाँ से, ये गाड़ी सही में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इन सबको उड़ा देगी। निकल यहाँ से। चलो कैसे फटाफट से, ये गाड़ी तो हमें मिल चुकी है। अबे उड़ने वाला बटन कौन सा था, रुक जाओ, हमें अपनी गाड़ी को उड़ा के इन पुलिस वालों से दूर जाना पड़ेगा। जल्दी जल्दी उड़ जा। उड़ गई उड़ गई उड़ गई। और कैसे हमारी गाड़ी वापस से यहाँ पर उड़ चुकी है। और अब ये पुलिस वाले मुझे कभी नहीं पकड़ पाएंगे, बस मुझे एक बार गाड़ी तो चलाना आ जाए कम से कम। इनके हेलीकॉप्टर बहुत ही ज्यादा स्लो है और हमारी कार बहुत ही ज्यादा फास्ट है। और अभी हम उनसे बहुत ही ज्यादा दूर आ चुके। पुलिस वाले तो हमें कभी नहीं पकड़ पाएंगे, ना ही हमें कभी आयरन मैन पकड़ पाएगा। और हमने आयरन मैन की कार चुरा ली है। तो कैसर अभी हम आयरन मैन की कार को लेके आ चुके अपने घर पे। आखिर कार, ये खतरनाक सी कार हमने चुरा ली, पुलिस वालों से भी पीछा छुड़ा लिया है। और हम अपने घर पे आ चुके, कपड़े मैंने चेंज कर लिए। कितनी ज्यादा खतरनाक लग रही है कार। ये कार उड़ भी सकती है और लैंड होते टाइम इसके अंदर पैराशूट भी जाता है। ये गाड़ी सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। रुक जाओ, मुझे इस गाड़ी की फोटो खींचनी है, फिर मैं इंस्टाग्राम पे डालूंगा। रुक जाओ, अभी अभी की फोटो खींचते फटाफट से, बहुत ही तगड़ी वाली फोटो खींचूंगा। फटाफट से अपना कैमरा चालू करते हैं। और गाइज़र इस गाड़ी की मैं फोटो खींचने वाला हूँ, ऐसे पोर्ट्रेट फोटो खींचेंगे। रुक जाओ, यहाँ पर अभी हमने फोटो फ्रेम लगा दिया और ये क्लिक, क्या एक खतरनाक फोटो मैंने यहाँ पर खींची है। इसके साथ तो हमारी एक सेल्फी भी बनती है, तो फटाफट से एक सेल्फी भी खींच लेते हैं। आयरन मैन की गाड़ी चीज। और ये हमारी खतरनाक सी सेल्फी भी खींच चुकी है, बहुत ही बढ़िया लग रही है। चलो एक और फोटो खींची जाए। अरे वाह, आयरन मैन की कार, ये तो बहुत ही खतरनाक है। एक सेकंड, अरे ये गाड़ी कहाँ जा रही है, अरे ये गाड़ी कहाँ जा रही है। अरे वाह, ये गाड़ी तो उड़ती भी है, ओहो मजा आ गया, बाय बाय। अरे ये लोकी का बच्चा मेरी गाड़ी का लेके जा रहा है। मैंने कभी सोचा नहीं था आयरन मैन की गाड़ी चुराना इतना इजी होगा। अरे कैसा, ये लोकी का बच्चा वो आयरन मैन की गाड़ी चुरा के लेके गया। अरे मैं इतनी मुश्किल से आयरन मैन के घर से चुरा के ले गया था और वो मेरे घर से ही चुरा के ले गया। रुक जा लोकी के बच्चे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, आ रहा हूँ मैं, मुझे आयरन मैन की कार वापस चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है, अभी तो मैंने इंस्टाग्राम पे ढंग से फोटो डाली भी नहीं थी और वो चुरा के भी चला गया। रुक जा लोकी। तो गाइज़र अभी मुझे पता चला लोकी मेरी गाड़ी चुरा के, मतलब मेरी नहीं है आयरन मैन की, पर अब वो मेरी हो चुकी थी, पर वो मेरी गाड़ी चुरा के जा चुका है और वो इधर ही आया है। और गाइज़र अभी हम आ चुके अपनी गाड़ी वापस लेके जाने। रुक जाओ, तुम आगे नहीं जा सकते, आगे लोकी महाराज का पूरा किंगडम है, तुम वहाँ नहीं जा सकते। अरे तुम्हारे लोकी महाराज मेरी गाड़ी चुरा के लेके आए, जल्दी लेके आओ उसे वापस। हमारे लोकी महाराज किसी की गाड़ी नहीं चुराते, वो डायरेक्ट गाड़ियाँ खरीदते हैं। तुम कौन हो गरीब? अरे उस लोकी ने मेरी गाड़ी चुराई है, मुझे वापस दो वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा। तुम हमारा कुछ नहीं कर सकते। तो कैसर लगता है इस बॉडीगार्ड को पता नहीं पड़ेगा मैं कौन हूँ, मैं इसे बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। तो कैसर फटाफट से सारे के सारे सिक्योरिटी गार्ड्स को मारते हैं, ये ले इसके ऊपर गाड़ी चढ़ा देते हैं। और अभी मैं उस लोकी के बच्चे को नहीं छोड़ने वाला, उसने मेरी गाड़ी चुराई, मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। लोकी कहाँ पर है तू, मेरी गाड़ी वापस दे। यहाँ पर भी सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े, इनको ही मारते हैं। ये लोकी ने क्या बना रखा है यहाँ पर, वाटर पार्क बना रखा है क्या, वाटर स्लाइड राइड यहाँ पे मुझे लग रही है। लोकी कहाँ पर है तू, इसके सारे सिक्योरिटी गार्ड्स को तो मैंने मार दिया, पर लोकी कहाँ पर है। मैं हूँ इस लॉस सैंटोस का राजा लोकी, मुझे ये आयरन मैन की कार मिल चुकी है। इस आयरन मैन की कार की मदद से मैं पूरे लॉस सैंटोस में तबाही मचाऊंगा और पूरा लॉस सैंटोस अपने कब्जे में कर लूंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। अबे ये लोकी का बच्चा ऊपर क्या कर रहा है। अरे कैसर अभी मुझे पता चल चुका है लोकी इस टावर के ऊपर चढ़ा हुआ है, तो मुझे अभी ऊपर जाके उस लोकी के बच्चे से मेरी कार वापस लेनी पड़ेगी। चोर के घर से अभी चोरी हो चुकी है, पहले मैंने आयरन मैन के घर से गाड़ी चुराई, फिर लोकी ने मेरे घर से गाड़ी चुरा ली, अब मैं लोकी के किंगडम से गाड़ी चुराने वाला हूँ। मतलब पहले जिसके घर पर गाड़ी खड़ी थी वो चोरी हुई, फिर जिसके घर पर गई फिर उसके घर से चोरी हो गई, अब जिसके घर पर आई है उसके घर से भी ये गाड़ी चोरी होने वाली है। चलो फटाफट से ऊपर चलते। एक तो अब यहाँ पे किसी ने लिफ्ट क्यों नहीं लगाई, इतनी सारी सीढ़ियां चढ़ के जानी पड़ेगी, पता नहीं कितना ज्यादा ऊपर है। जल्दी जल्दी चलते हैं, मैं बहुत ही थक चुका हूँ। पर कहे सर एक बार वो गाड़ी मुझे मिल जाए, इस बार मैं उसको
छुपा के रखूं कहीं पे। मैंने इसे ओपन में ही खड़ी कर दी थी, पर इस बार पक्का छुपा के रखने वाला उस गाड़ी को। बस एक बार लोकी तक पहुंचाऊं मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मेरी गाड़ी चुराता है, वैसे उसके पास सुपर पावर्स भी है, पर आप टेंशन मत लो, मेरे पास भी बहुत सारी सुपर पावर्स है पादने की। मैं उसके मुंह पे पाद दूंगा। और अभी हम ऊपर आ चुके हैं और ये नहीं वो गाड़ी, आयरन मैन की गाड़ी, और वो रहा लोकी। इस लोकी के बच्चे की ऐसी की तैसी। अब देखो मैं इसके साथ क्या करता हूँ। ये हम लेंगे स्नोबॉल, चूंकि हमने हल्क को मारने के लिए ली थी, और मारेंगे लोकी को। चल निकल। और ये लोकी गया सीधा नीचे। आप देख सकते हो लोकी सीधा नीचे गिर चुका है। और फटाफट से गाड़ी लेके निकलते हैं उससे पहले कि वो वापस उठ के आ जाए। तो इसको फटाफट से बनाते अपना प्लेन और इसको लेके यहाँ से निकलते हैं। बाय बाय लोकी, अगली बार मेरी गाड़ी कभी मत चुराना। तो गाइस वापस से हमें आयरन मैन की गाड़ी मिल चुकी है। लोकी के बच्चे ने चुरा ली थी, पर वापस से अभी हमने ले लिए। और अब इसे कोई नहीं चुरा पाया क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा सेफ जगह इसको लेके जाने वाला हूँ, और वो सेफ जगह मेरे घर के ज्यादा दूर भी नहीं है। चलो इसको लेके चलते हैं फटाफट से। और अभी हम यहाँ पर आ चुके हैं और इसको डालते हैं सीधा पानी के अंदर। और ये गाड़ी हमेशा यहाँ पर रहने वाली है, इससे ज्यादा सेफ जगह कोई है ही नहीं। यहाँ पर कोई नहीं आएगा, और जब भी मुझे गाड़ी चलानी होगी तो मैं यहाँ पर आके ये गाड़ी चला लूंगा। तो गाइस हमने अपनी गाड़ी को छुपा दिया है, लोकी से बचा लिया, और आयरन मैन भी कभी इस गाड़ी को नहीं ढूंढ पाएगा क्योंकि पानी में जाने के बाद के सारे ट्रैकर व्रैकर सब बंद हो जाएंगे। तो ये गाड़ी फाइनली हमारी हो चुकी है, कोई भी हमसे वापस नहीं लेके जा सकता। तो गाइस यार आज की वीडियो से भी इतना ही। अगर आपको आज वीडियो से लाइक कर देना, चाहे वो सब्सक्राइब कर देना। हमने चुरा लिए आयरन मैन की खतरनाक सी फ्यूचरिस्टिक सुपर कार। अगली कार कौन से सुपर हीरो या फिर एवेंजर की चुराए फटाफट से कमेंट करके बना देना। और गाइस इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड डिस्क्रिप्शन में वापस जाके ज्वाइन फॉलो कर लेना। और हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।